दोस्तों आदाब से मैं अनीस अहमद खान हिंदू से आपसे मुखातिब हूँ। कांवड़ यात्रा अब जो कि 23 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक शुरू होने वाली है, 2 साल बाद ही कांवड़ यात्रा हो रही है क्योंकि कोविड के ज़माने से ये बंद थी और पूरे तामझाम के साथ निकल रही है। हालांकि सरकार तमाम तरीके की सख्तियाँ कर रही हैं जिससे कोई एंटी वर्ल्ड कोई सांप्रदायिक दंगा न भड़के किसी तरीके के ना हो, तो उन्होंने जो भी रास्ते में पड़ रही है दुकानें मीट की उनको बंद कराई हैं, शराब की दुकानें बंद कराई हैं। लेकिन बरेली में इनके ऊपर हंगामा हो गया है। वहाँ पर उन्होंने मीट की दुकान बंद कराई जो कि बंद तो कर दी गई, लेकिन जैसे ही कि अमला वापस किया नगर निगम का उसके बाद फिर खुल गई। उसमें झगड़ा हो गया क्योंकि बीजेपी के लोग बीच में आ गए, जिस पर झगड़ा हुआ बीजेपी के लोगों से और दुकानदारों से काफ़ी झगड़ा हुआ, जिसमें एक बीजेपी का वर्कर घायल भी हो गया। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और सख्ती से सोशल मीडिया के ऊपर भी बैन लगा दिया गया है जिससे कोई ऐसी अनटूवर्ड कोई ऐसी खबर ना जाए जिससे दंगा भड़क सके UP के अंदर। और जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका सख्त निर्देश है कि इस तरीके से किसी किस्म की कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। यहाँ तक कि जो सड़क के किनारे लोहार रहते हैं जिनको गड़िया लोहार कहते हैं, वो आपने देखा होगा कि अपनी अपनी झोपड़ियाँ यानी गाड़ियाँ रखते हैं, गड़िये कहलाते हैं वो गड़िया लोहार, और वहीं पर रहते हैं वो लोग अक्सर गोश्त खाते हैं, गोश्त खा के सड़कों के ऊपर अपना उसका मलबा फेंकते हैं। उनके ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है कि वो ऐसा ना करें जिससे कोई सांप्रदायिक दंगा ना भड़क सके किसी भी तरीके से। लेकिन ये हुआ, ये शुरुआत हुई, अब धीरे धीरे आगे चल के हालांकि सख्ती काफ़ी हो रही है, देखिए क्या होता है। ये धार्मिक कार्यक्रम जो हैं इन पे इस किस्म की जो पाबंदियाँ लगाई जाती हैं उससे काफ़ी तनाव बढ़ जाता है, क्योंकि आप देखिए कि पूरे का पूरे एक हफ्ता जो होगा 23 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक पूरी तरीके से दुकानें बंद रहेंगी, उनका कारोबार बंद रहेगा, तो उस पर थोड़ा बहुत विवाद तो होता ही है। लेकिन कोई बड़ा दंगा ना भड़क जाए इसलिए सरकार को भी सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। इस तरीके से पूरी UP में इसको कर दिया गया है क्योंकि एक कांवड़ यात्रा UP से चलती है और हरिद्वार होती हुई और दिल्ली तक आती है और जगह जगह जाती है, जगह जगह मंदिरों में जाती है, शिव मंदिर में जल चढ़ाती है, जल चढ़ाने के बाद विसर्जित होती है। और इस बीच में पहले तो बहुत डांसेस और डिस्को वगैरह चलते थे जिनको रोका जा रहा है, कहीं तो उनमें कोई ऐसी सांप्रदायिक बात न चली जाए, तो उन पर भी सख्त पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं और सोशल मीडिया पर सख्त पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं किसी तरीके से कोई सोशल मीडिया पर गलत चीज़ न जाए। इसके बावजूद भी बरेली में हंगामा होते होते बच गया है। अब इसके ऊपर पुलिस काफ़ी तादाद में पुलिस वहाँ लगा दी गई है और जिससे कोई और दूसरी हरकत ना हो, ये शुरुआत है क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मामला है। ये जो कांवड़ यात्रा निकलती है ये लोग, ये भी धार्मिक क्रिया है लेकिन उसके लिए वो संयम बरतना ज़रूरी है, दोनों तरफ से लोगों को संयम बरतना ज़रूरी है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।